हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा कौरव। बच्चों, आज हम हिंदी वाचन बुक से चैप्टर 13 रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है आलसी को सबक। आपका बुक का ये पेज नंबर है 71। बच्चों, इस चैप्टर में एक व्यापारी है और उसका नौकर रामू। तो इस चैप्टर का नेम क्या है? आलसी को सबक। तो इसमें जो उसका नौकर रहता है व्यापारी का, बहुत आलसी रहता है। हर काम को करने में उसे अच्छा नहीं लगता, काम से वो बचता रहता है। इसके लिए व्यापारी उसको सबक सिखाता है। इस चैप्टर में हम रीडिंग करेंगे। इसके साथ इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे मालिक, इसका अर्थ होता है स्वामी। फिर है सबक, इसका अर्थ होता है शिक्षा या सीख। फिर इसके बाद है लादना, अधिक वजन रखना, उसको हम कहते हैं लादना। व्यापारी, आप सभी को पता है, जो सामान बेचता है उसे हम व्यापारी कहते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, आलसी को सबक। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। इसमें एक व्यापारी है और उसका नौकर रामू है। तो नौकर कैसा है रामू? उसका बहुत ही आलसी है। इस चैप्टर को मैं आपको रीडिंग करूँगी, उसके बाद उसका अर्थ एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यापारी था, वह शहर से सामान खरीदता था और गाँव में जाकर बेचता था। वह इस काम में अपने नौकर रामू की मदद लेता था। रामू बहुत आलसी था। सामान उठाकर गांव-गांव घूमना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन व्यापारी नमक का बोरा लेकर बेचने निकला। रामू ने बोरा सिर पर लाद रखा था। तो बच्चों, इसमें क्या बताया है? एक व्यापारी था, वह शहर से सामान खरीदता था और गांव में जाकर बेचता था। इस काम के लिए वह अपने नौकर रामू की मदद लेता था, पर उसका नौकर रामू कैसा था? बहुत ही आलसी था। उसे सिर पर सामान लेकर गांव-गांव घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन व्यापारी ने क्या कहा? नमक का बोरा सिर पर लेकर बेचने के लिए निकलने के लिए रामू से कहा। रामू ने नमक का बोरा सिर पर लाद रखा था। रामू सोचने लगा, ना जाने मालिक क्या क्या मेरे सिर पर लाद देता है। इतना भारी बोरा लेकर मैं कैसे इतनी दूरी चल पाऊँ। किसी तरह वह अपने मालिक के साथ आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक नाला मिला। जैसे ही वे नाले के किनारे पहुँचे, रामू का पैर फिसल गया। इसी तरह व्यापारी ने उसे बाहर निकाला। उन्होंने बोरा बाहर खींचा तो देखा सारा नमक पानी में घुल गया है और बोरा हल्का हो गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ, अब मुझे भारी बोरा नहीं उठाना पड़ेगा। तो क्या होता है, एक दिन व्यापारी नमक का बोरा लेकर शहर से गांव बेचने जाता है और नमक का बोरा रामू सिर पर रख लेता है। रास्ते में क्या होता है, उसे एक नाला मिलता है और जैसे ही नाले के किनारे वो लोग पहुंचते हैं, रामू का पैर फिसल जाता है और रामू नाले में गिर जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, जो उसका नमक का बोरा था, नमक पानी में कैसा रहता है? घुल जाता है। तो सारा नमक पानी में घुल जाता है तो उसका बोरा कैसा हो जाता है? हल्का। इससे रामू बहुत खुश होता है कि अब मुझे भारी बोरा नहीं उठाना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन फिर व्यापारी ने शहर से नमक खरीदा, रामू के सिर पर लाद कर बेचने निकला। जैसे ही वे नाले के पास पहुँचे, रामू जानबूझकर फिसला और नाले में गिर गया। नमक फिर पानी में घुल गया। रामू खुश हो गया। व्यापारी सब समझ गया। उसने रामू को सबक सिखाने का सोचा। इस बार क्या होता है, व्यापारी फिर से शहर से नमक खरीदता है और गांव जाने के लिए सोचता है। रामू अपने सिर पर नमक का बोरा लाद कर रख लेता है, लेकिन इस बार क्या करता है रामू, जानबूझकर नाले में गिर जाता है, जिससे उसका सारा नमक पानी में घुल जाता है। इस बार व्यापारी रामू की चालाकी समझ गया और उसने सोचा कि मैं रामू को सबक जरूर सिखाऊंगा।
अगले दिन जब वे शहर गए तो व्यापारी ने एक बोरा रुई खरीदी। रामू ने जैसे ही बोरा सिर पर लादा तो खुश हुआ। सोचने लगा, मालिक को शायद सबक मिल गया है। आज हल्का बोरा दिया है, फिर भी मैं फिसलूंगा, जिससे अगली बार मालिक मुझे और भी हल्का बोरा उठाने के लिए देंगे। जैसे ही वे नाले के पास पहुंचे, रामू पानी में फिसल गया। मालिक ने उसे बाहर निकाला। अब क्या होता है बच्चों, अगले दिन जैसे ही वो शहर जाते हैं, तब व्यापारी ने एक बोरा रुई खरीदी और रामू ने ये बोरा सिर पर रखता है तो बहुत खुश होता है। कहता है, शायद मालिक को सबक मिल गया है, आज उन्होंने मुझे हल्का बोरा सिर पर रखने के लिए दिया है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है रुई नमक से भी हल्की रहती है। नौकर बहुत चालू था और बहुत आलसी था। वो कहता है, फिर भी मैं जानबूझकर फिसलूंगा ताकि अगली बार मालिक मुझे और भी हल्का बोरा उठाने के लिए देंगे। जैसे ही नाला आता है, रामू फिर से जानबूझकर पानी में फिसल जाता है और मालिक क्या करता है, उसे बाहर निकालता है। इसके बाद पानी से बाहर निकालकर रामू के सिर पर बोरा लादा। रामू घबरा गया, सोचने लगा, अरे यह क्या, यह तो बहुत भारी हो गया है। तब व्यापारी मुस्कुराकर बोला, नमक तो पानी में घुल जाता है, किंतु रुई पानी सोख लेती है, इसलिए भारी हो जाती है। अब रामू को सबक मिल गया था। उसने मालिक से वादा किया कि वह कभी आलस्य नहीं करेगा। तो क्या होता है, जब रामू पानी में फिसल जाता है तो मालिक उसे बाहर निकालता है और बोरा रामू के सिर पर रख देता है। बोरा जैसे ही सिर पर रामू रखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि रुई बहुत भारी हो जाती है। आप सभी को पता है रुई क्या करती है, पानी को सोख लेती है, जबकि नमक पानी में घुल जाता है। इस बात पर रामू को सबक मिल गया और उसने मालिक से वादा किया कि वह कभी आलस्य नहीं करेगा। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, हमें कभी भी किसी भी काम में आलस्य नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस चैप्टर में जैसे उसके मालिक ने रामू को सबक सिखाया तो उसने आलस्य करना बंद कर दिया और अच्छे से काम करने लगा। तो बच्चों आप सभी को इस चैप्टर को रीड करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।